तो मेरा नाम है अमित खट्टर और हम करेंगे मास्टर कैंप 2022 स्टार्ट। ठीक है, तो जब भी ठीक हम है मास्टर कैंप खोलेंगे तो हमारे पास यही स्क्रीन आएगी। तो इसमें हम ठीक है मिलिंग का काम भी कर सकते हैं, टर्निंग का काम भी कर सकते हैं, वायर कट वगैरह भी है, राउटर भी है, सॉलिड मॉडलिंग भी कर सकते हैं, सरफेसिंग भी कर सकते हैं, वायर फ्रेम भी कर सकते हैं। तो काफी चीजें हैं जो समझने वाली हैं कि 2D ड्राइंग बनानी हो तो वो भी बना सकते हैं, 3D ड्राइंग बनानी हो तो वो भी बना सकते हैं, और उसके बाद मशीनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मास्टर कैम ठीक बेसिकली है मशीनिंग का सॉफ्टवेयर है, कैड ठीक इसमें है हो जाता है पर रिकमेंडेड जो है ये मशीनिंग के लिए। ठीक है, अब ठीक फोर है एक्सिस फाइव एक्सिस काम करना होगा तो हमारे को कुछ ना कुछ स्केच कुछ कर बनानी पड़ती है, तो उस वजह से ठीक है हमारे को वायर फ्रेम भी चाहिए, सॉलिड भी चाहिए, सरफेस भी चाहिए। तो ठीक है जब भी हम मास्टर कैम फर्स्ट टाइम खोलेंगे तो ये हो सकता है ये एक्सिस भी बंद हो और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बंद हो। ठीक है तो यहाँ पे व्यू के अंदर ऑप्शन होती है शो एक्सिस और शो कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दोनों हमारे को ओके ठीक चाहिए। ठीक है, है राइट क्लिक करके हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू में भी देख सकते हैं ताकि हमारे को एक्स वाई जेड तीनों नजर आए। ओके कई बार क्या होता है, ये जो टूल पाथ वाली बार आ रही है साइड में पैनल, ये बंद होता है, तो ये भी हम यहीं से ओके व्यू में जाके टूल पाथ ऑन कर सकते हैं, सॉलिड ऑन कर सकते हैं, जो जो चीज ऑन करते जाएंगे वो यहाँ पे आते हैं। ओके ठीक तो बेसिकली टूल पाथ तो हमारे को चाहिए ही चाहिए 100%। हम ऐसा नहीं काम कर सकते कि है इसको बंद करके काम कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है मास्टर कैम में, तो हमारे को ये टूल पाथ ऑन रखना ही चाहिए। ओके ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमारे को मास्टर कैम में पता होना चाहिए कि यूनिट सिस्टम क्या है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है नीचे मैट्रिक्स, मैट्रिक ओके पर कई कंट्रीज में इंचेस, जितनी भी इंग्लिश कंट्रीज है, कनाडा हो गया है ना, कहीं इम्पीरियल और भी हो गया, तो वहां पे इंचेस, इज इट हाँ, तो हमारे को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जाएंगे हम ऑप्शंस के अंदर, ओके ऑप्शंस फाइल के अंदर ऑप्शंस, तो यहाँ पे ऑप्शन में, सॉरी, फाइल में जाएंगे हम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सॉरी। ठीक है, तो ओके कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन होती है कि हमारे को मैट्रिक में चाहिए या इंचेस में चाहिए। ओके तो ये करंट फाइल के लिए है, ये हमेशा याद रखना, ये जो चीज हम चेंज कर रहे हैं ये करंट फाइल के लिए पर्टिकुलर किसी, करंट पर हाँ, जो अभी हमने फाइल खोली हुई। जैसे मुझे रोज ही करना है ये काम, जैसे मुझे रोज ही इंचेस में ही काम करना है, तो मैं क्या करूंगा, फाइल में जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, यहाँ पे ऑप्शन होती है स्टार्ट स्टार्ट एंड एग्जिट। ओके तो स्टार्ट एंड एग्जिट में जाके अगर मैं यहां से चेंज कर दूं तो ये परमानेंटली चेंज हो इंचेस जाता ओके है। अगर नीचे से करेंगे तो वो करंट फाइल के लिए है, स्टार्ट एंड एग्जिट में जाके अगर चेंज करेंगे तो वो परमानेंटली। परमानेंट ओके ठीक ठीक है, तो है रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। कई बार ही हमारे को इंडिया में भी इंचेस में काम करना पड़ेगा, कई बार ही हमारे को बाहर जाके भी ओके एमएम में काम करना पड़ेगा, तो वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि हमारे को यूनिट कौन सी चाहिए। ओके ठीक है, पर यूनिट चेंज करना हमारे को जरूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर यूनिट ही चेंज नहीं होंगे तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ओके या ठीक है, तो यूनिट हमने कर दिए चेंज वापस मिलीमीटर में, मैट्रिक में। उसके बाद जो हमारे को चीज चाहिए, अब अगर हम मास्टर कैम के अंदर काम करना चाहते हैं तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि मास्टर कैम में जो कुछ भी बनता है 2D में, चाहे मैंने एक जी रेक्टेंगल बनाया, चाहे मैंने एक ओके सर्कल बनाया, या मैंने कोई लाइन लगाई, व्हाटएवर, कुछ भी लाइन सर्कल व्हाटएवर कुछ भी लगाया, ये सब कुछ ओके कहाँ बन रहा है, ये एक्स वाई प्लेन पे बन रहा है इस वक्त। अगर बिल्कुल जी सही वर्ड बोलूं तो ये टॉप व्यू में बन रहा है, ये देखो टॉप व्यू, इसको बोलते हैं जी सी प्लेन। सी प्लेन का मतलब होता है कंस्ट्रक्शन प्लेन, ओके जिस चीज के ऊपर कंस्ट्रक्शन होनी है दैट इज सी प्लेन। अगर मैं कंस्ट्रक्शन प्लेन चेंज कर दूंगा, मान लो मैंने फ्रंट कर दिया, ठीक है, ओके
तो एक्स वाई भी ध्यान से देखो चेंज हो गया। अभी जेड एक्स पे बन रहा है। नहीं, बना हुआ एक्स वाई पे ही है, एक्चुअली एक्स वाई ही चेंज हो गया। ओके, एक्स वाई ही चेंज हो गया। ओह या, ओके, ठीक है। ठीक है, तो जो भी हमने मतलब सिंपल एक लाइन में समझाना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मास्टर कैम में काम होगा वो कंस्ट्रक्शन प्लेन के ऊपर होगा। ओके, ठीक है। तो हमेशा कंस्ट्रक्शन प्लेन जो है स्केच बनाने के काम आएगा। राइट क्लिक करके आइसोमेट्रिक कर सकते हैं, राइट क्लिक करके कुछ और भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो दूसरी चीज जो एक तो बात हमारे को समझ में आ गई कंस्ट्रक्शन प्लेन पे के ऊपर काम होना है, जो भी स्केच बन रहा है कंस्ट्रक्शन प्लेन। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जेड एक्सिस, मेरा जेड किधर है। ओके, तो टूल जो आएगा वो जेड की डायरेक्शन में से आएगा। हाँ जी, या और भी अच्छा बोलूं तो टूल जो आएगा वो टूल प्लेन किधर है उसकी डायरेक्शन से आएगा। कंस्ट्रक्शन प्लेन काम करने के लिए, टूल प्लेन भाई मेरा टूल किस डायरेक्शन से आएगा। कोई आपने सुना होगा हॉरिजॉन्टल मशीन होती है सीएनसी, हॉरिजॉन्टल एचएमसी होती है, वीएमसी होती है, वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है, एचएमसी मशीन होती है। तो हॉरिजॉन्टल में हॉरिजॉन्टल से टूल आ रहा है, वर्टिकल में वर्टिकल से आ रहा है, वर्टिकल से आ रहा है, हां जी, है ना। तो या अगर कोई मल्टी एक्सिस है तो ऐसा भी हो सकता है 30 डिग्री से टूल आए, हां जी, है ना। तो टूल किस डायरेक्शन से आना है वो कैसे डिसाइड होगा, वो टूल प्लेन से डिसाइड। ओके, ठीक है, आगे जाके हम देखेंगे इसको डिटेल में भी समझेंगे, पर सिंपल पहले दिन जो बात जरूर पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे गलत सिलेक्ट हुआ है तो मैं कुछ भी सिखाता रहूं वहां पे गलत होगा तो बात बनेगी। ओके, ठीक है। तो और जो डब्ल्यू सी एस है वो राइट क्लिक में हम जो टॉप व्यू देख रहे हैं, फ्रंट व्यू देख रहे हैं, राइट व्यू देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं वो इसके अकॉर्डिंग। ओके, तो हमारे को पहला दिन है अगर हमारा आज, तो हमारे को एक ही बात याद कर लेनी है कि ये तीनों टॉप पे होने चाहिए, बात खत्म। ओके, ठीक है, के फर्स्ट डे के अगर हिसाब से बात करें तो तीनों टॉप व्यू में होने चाहिए, और इससे ज्यादा हमारे को समझने की जरूरत नहीं है। कंस्ट्रक्शन प्लेन काम करने के काम आएगा, टूल प्लेन टूल के काम आएगा, और डब्ल्यू सी एस ये है वर्क कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये काम आएगा हमारे को टॉप व्यू फ्रंट व्यू साइड व्यू देखने के काम आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बात आती है, मैं इसको टॉप व्यू कर लिया, ठीक है, तो यहाँ पे भी टॉप है, राइट क्लिक करके टॉप व्यू कर लिया, तो ये मेरे को इजी हो जाएगा 2D स्केच बनाने। हाँ जी, अब मान लो मेरे को एक रेक्टेंगल बनाना है। हाँ जी, रेक्टेंगल बनाने के लिए यहाँ पे लिखा है एंकर टू सेंटर, इसको मैंने ऑन किया हुआ है ताकि ये सेंटर से जस्टिफाई बने, ओके, सिमेट्रिक बनेगा। या, तो मैं कर्सर को हिला रहा हूं तो ये भी हिल रहा है ना, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दो। अब ये सियान कलर का है, तो जब सियान कलर का है दैट मीन्स मैं इसको मॉडिफाई कर सकता हूँ, यानी कि मैं इसकी वैल्यू चेंज कर सकता हूँ, मैं इसकी वैल्यू कुछ भी चेंज कर सकता, पर जैसे ही मैंने इसको टिक कर दिया तो ये ब्लू कलर का हो गया। अब मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, ओके, मॉडिफाई नहीं होता मास्टर कैम में। ओके, ठीक है, मॉडिफाई करने का तरीका है, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, पर उसके लिए हमारे को अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ सॉफ्टवेयर जैसे सॉलिडवर्क्स हो गया, एनएक्स हो गया, क्रियो हो गया, उसमें डबल क्लिक करो मॉडिफाई हो जाता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, ये ऑटोकैड के ऑटोकैड जैसा। ओके, ठीक है, हमारे को इस बात का ध्यान रखना है कि जब तक वो सियान कलर है तभी तक अगर मैं मॉडिफाई कर लूं तो इजी रहेगा। ओके, अब मैं चाहता हूं इसको मान लो आइसोमेट्रिक व्यू में देखना, तो ये आइसोमेट्रिक टॉप व्यू करेंगे तो टॉप व्यू हो जाएगा, आइसोमेट्रिक व्यू करेंगे तो मेरे को पर्सनली आइसोमेट्रिक में देखना पसंद है।
आइसोमेट्रिक में देखने का फायदा क्या होता है कि मेरे को एक्स भी नजर आता है, वाई भी नजर आता है, जेड भी नजर आता है. कोई जरूरी नहीं है आइसोमेट्रिक करना, सिर्फ अच्छा दिखे इसलिए है ना, उतना ही इम्पोर्टेंट है. शर्ट प्रेस करके पहननी है उतनी ही बात है, वैसे भी पहन सकते हैं, ऐसा इशू. ठीक है. अब यहाँ पे है फिलेट, यानी कि मैं शार्प एज खत्म करना चाहता हूँ. कितने का रेडियस लगाना चाहता हूँ, मान लो मैंने कहा जी 15 का. ओके, दोनों लाइनों को सिलेक्ट करेंगे तो शार्प एज लग जाएगा, खत्म हो जाए. ओके ठीक ठीक है. तो अब मान लो मेरे पास एक कोई ब्लॉक है जिसमें मुझे कटिंग करनी है. ब्लॉक कौन सा है, मान लो ये मेरा एक ब्लॉक ओके. ब्लॉक है मान लो 125 बाय 110, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, व्हाट एवर. उसमें मुझे ये, हाँ उसमें मुझे ये स्लॉट कटिंग करनी है, ठीक है. ओके, तो समझाना ये चाहता हूँ कि मास्टर कैम को कोई जरूरत नहीं है 3D मॉडल की. ये 2D स्केच से भी 3D मॉडल, 3D मशीनिंग कर सकता है. मैं दिखाता हूँ कैसे होगा. ओके. तो अभी तक हम समझ रहे थे कि स्केच बनेगा कैसे, टॉप व्यू क्या है, फ्रंट व्यू क्या है. अब बात आती है मशीन कैसे लेंगे हम. तो यहाँ पे मशीन की ऑप्शन है, इसमें हम मिलिंग मशीन ले लेंगे डिफॉल्ट वाली. ओके, तो ये देखो ये टूल पाथ में मशीन ग्रुप आ गया. हाँ जी, ठीक है. एक तरीके से हमने मशीन उसको डिफाइन कर दी कि हम मिलिंग मशीन डिफॉल्ट वाली लेना चाहते हैं, जो मास्टर कैम के अंदर डिफॉल्ट है. हम अपनी भी बना सकते हैं, वो बाद की बात है, पर फिलहाल ये है कि हमने अपनी मशीन ले ली. अब कोई भी कंपनी में हम जाएंगे तो वहां पे कोई मशीन होगी, है ना, तो हमारे को वो वाली मशीन ले लेनी है जो हो, ठीक है. अदरवाइज डिफॉल्ट मिल रही है. अगर आपके पास मशीन है, देखो जैसे मेरे पास यहाँ पे मशीन एक और भी थी, ठीक है, ये हमने इसका पाथ दे सकते हैं, ये जेनरिक हास 3x मिलिंग है हमारे पास, पर मैं ये नहीं ले रहा, मैं डिफॉल्ट ली है ताकि बात समझ में आए. तो ऐसे ही अगर आपकी कंपनी के पास कोई मशीन होगी तो वो यहाँ पे नजर आएगी, नजर आए तो वो ले लो, नहीं तो डिफॉल्ट, ठीक है. डिफॉल्ट पे भी काम हो जाता है, बाद में भी चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. पर वो तो अगर मेरे पास कोई चीज है ऑलरेडी तो मैं वही ले लूंगा ना ऑलरेडी, ठीक है. नहीं, हाँ जी, अदरवाइज फिर मैं डिफॉल्ट लूंगा. तो हमने मिलिंग मशीन डिफॉल्ट ले ली. तो जैसे ही मैंने मिलिंग मशीन ली तो यहाँ पे टूल पाथ आने लग गए थे, पहले नहीं आ रहे थे, अब ये टूल पाथ नजर आने लग गए. ओके, मेरे सर स्क्रीन पे वो प्रोसेसिंग हो रही है, मतलब कोई इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, मतलब सुन रहा है मुझे. तो अब जो हमारे को ये टूल पाथ नजर आने लग गए हैं, इसमें हमारे को लेना है सबसे पहला टूल पाथ कंटूर. ओके, अब कंटूर का मतलब ही यही होता है कि हम किसी कर्व के ऊपर ऊपर चलाना चाहते हैं. तो यहां से हम चेन ले लेंगे, चेन. ओके, चेन क्यों ले लेंगे, क्योंकि ये सिलेक्शन मेथड है कि मैं चेन मेथड से सिलेक्ट करना चाहता हूं इस कर्व को. अगर मैं सिंगल करता तो मुझे सब पे एक एक करके क्लिक करना पड़ता, बहुत मेहनत हो जाती. ठीक है, क्योंकि मैंने चेन कर दिया तो वो एक ही बार में ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होगी जो भी कनेक्टेड है आपस. ओके, चेन सिलेक्ट हो गई, ओके कर देंगे. तो ये 2D टूल पाथ कंटूर की विंडो खुल गई. ओके, जिसमें एक चेन ज्योमेट्री सिलेक्टेड. हाँ जी, अब कोई भी मशीनिंग करने के लिए हमने उसको पाथ तो बता दिया कि इस पाथ के ऊपर चलना है, पर हमारे को टूल भी देना पड़ेगा. हाँ जी, तो मैंने मान लो सपोज करो फ्लैट एंड मिल ले लिया 10 mm का. ठीक है, ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि आज हमारा फर्स्ट डे है. मैं आपको एक बार गो थ्रू कराना चाहता हूँ कि चलता हुआ दिखेगा कैसे. दिखेगा कैसे? ओके, ठीक है. उसके बाद हम कटिंग पैरामीटर में जाके कुछ भी चेंज नहीं कर रहा मैं इसमें, जस्ट ओके का बटन दबा. ओके,
तो यहाँ पे देखो एक मेरे को टूल पाथ नजर आने लग गया। जो टूल पाथ है वो मेरे को नजर आना शुरू हो गया। हाँ जी, अब अगर मेरे को इसको चला के देखना है तो यहाँ पे टूल पाथ पे क्लिक करेंगे। हाँ जी, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और प्ले कर। तो जो हमने कर्व दी उस कर्व के बाहर वाली साइड ये टूल जो है चल रहा है। हाँ जी, प्ले किया हमने तो ये कर्व के बाहर 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 चल रहा है। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं इसको फ्रंट व्यू करके दिखाऊं तो ये देखो बिल्कुल कर्व के ऊपर ही चल रहा है। हाँ जी, यानी कि कुछ भी डेप्थ में नहीं जा रहा वो डेप्थ। हाँ जी, क्योंकि हमने डेप्थ दी नहीं। डेप्थ दी नहीं हमने। हाँ जी, तो सबसे पहले हमारे को डेप्थ देनी पड़ेगी। तो हम पैरामीटर में जाके लिंकिंग पैरामीटर में जाके यहाँ पे डेप्थ दे सकते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर मशीनें एब्सोल्यूट होती है, कहीं इंक्रीमेंटल मशीनें होती है, कहीं एब्सोल्यूट मशीनें होती है। एब्सोल्यूट। तो हाँ 95% आपको एब्सोल्यूट मशीनें मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट कर दिया। ओके, ठीक है। तो एब्सोल्यूट का मतलब होता है कि जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है वहां से हम सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, और ये याद रखना है ये टॉप व्यू ही होने चाहिए। हाँ जी। अब अगर मैं इसको चला के देखूं तो ये क्या हुआ, ये 10 mm डेप्थ हाँ नीचे डेप्थ जा में रहा चल है। रहा। ओके, ठीक है। पर प्रॉब्लम क्या है कि 10 mm अगर मैं एक साथ कटिंग कर दूंगा तो वो तो टूट ही जाएगा। टूट हाँ जी, तो उसका हल ये है मैं छोटे छोटे कट लगाऊं। हाँ जी, तो पैरामीटर पे क्लिक करेंगे तो ये वही सेम विंडो दोबारा खुल जाएगी और यहां पे मैं डेप्थ ऑफ कट दे सकता हूं। डेप्थ कट यानी कि ओके, मैक्सिमम जो स्टेप बनाना है मेरे को वो 2 mm का बनाना है। ये देखो ये डिस्टेंस है, टोटल 10 mm एक बार में नहीं जाएगा, दो दो एमएम के 5 कट लगाएगा तो वो ओके, अगर मैं पैरामीटर में जाके ये लीड इन लीड आउट यानी एंट्री और एग्जिट इसको बंद कर दो तो ये एक्स्ट्रा लाइंस गायब हो जाएंगी। ओके, वो जो एंट्री ले रहा था गोल गोल घूम के, ये एग्जिट ले रहा था क्योंकि हमने वो स्केच में तो बनाया नहीं। तो ये अब 5 कट लगाएगा दो दो एमएम पे। वैसे तो 0.5 0.2 ऐसे देना चाहिए था पर हमारे को सिर्फ समझने के लिए हम 2 mm का कट लगा रहे हैं। ठीक है, ओके, ताकि टाइम सेव हो जाए थोड़ा सा, ऐसा ना हो कि वो खेलता ही रह जाए। ठीक है, अभी ओके। पर अभी देखने में इतना ज्यादा मजेदार सा नहीं लग रहा फर्स्ट डे के हिसाब से। कुछ दिन बाद ये बहुत अच्छा लगेगा पर आज ऐसे लग रहा है कि समझ नहीं आया। तो हम क्या करेंगे, स्टॉक सेटअप में जाके इसको रॉ मटेरियल देंगे ऑल एंटिटी। तो इसने देखो अपने आप साइज ले ली, ऑल एंटिटी किया मैंने तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू अपने आप आ गई। ओके, जेड की हम दे देते हैं 20 mm का कट मैंने मारना है। तो ये मेरा एक तरीके से रॉ मटेरियल आ गया स्टॉक सेटअप के तरह से। ओके, तो अब मैं अगर इसको वेरीफाई करूंगा तो ये मुझे 3D में कटिंग करके दिखाएगा। ओके, जो एक्चुअल रॉ मटेरियल है। हाँ, और इसकी स्पीड हम थोड़ी सी स्लो कर देते हैं और यहां से प्ले करते हैं। हम चाहें तो यहां से वायर फ्रेम भी ऑफ कर सकते हैं, हम चाहें तो टूल पाथ ऑन कर सकते हैं, हम चाहें तो टूल भी ऑफ कर सकते हैं। तो ओके, बेसिकली ये चीज बन गई।
ठीक है इसको बंद कर दूंगा तो ये बंद। अब ये सारी मेहनत हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हम इसका जी कोड जनरेट करना चाहते हैं। जी कोड एम कोड के साथ ही मशीन चलेगी। हाँ जी तो यहाँ पे G1 पे क्लिक करूंगा और ओके कर दूंगा। ज्यादा मैं चेंजेस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर मैं बहुत सारा कुछ चेंज करने लग जाऊंगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, बहुत सारा समझना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल हमारा मकसद है कि टूल मास्टर कैम काम कैसे करता है वो समझना है। हमने एंड मिल दे दिया 10 mm का और से फाइल का नाम दे दिया बेसिकली, जो हमारे को कोड जनरेट करके दे रहे हैं। तो ये एक विंडो नई खुल गई जिसमें हमारा कोड लिखा हुआ हमारे को मिल गया, जिस कोड के लिए मैं सारी मेहनत कर रहा हूँ। इस कोड को मैं पेन ड्राइव में डाल के मशीन पे ले जाऊंगा और वहां जाके ये प्रोग्राम चला दूंगा तो बिल्कुल सेम तरीके से चलेगा। ओके। हमारे को बताना पड़ेगा ऑपरेटर को कि मेरा जेड जो है वो ब्लॉक के सेंटर में है। ओके। यानी कि ऑपरेटर को हमारे को बताना पड़ेगा कि मेरा जीरो कहाँ है या मेरे को मशीन का ऑफसेट कहाँ पे लेना है। हाँ जी, उसकी एक्स वाई कहाँ पे सेट करना है। हाँ, बस ऑपरेटर का काम वही होगा कि उसने एक्स वाई जेड सेट करने हैं और मशीन चला दे। चला देगी। ओके। अभी ये जो टूल पाथ बना ये सेंटर में बना, साइड में बना, साइड में बना। अगर मैं पैरामीटर में जाके कटिंग पैरामीटर में जाके कंपनसेशन ऑफ कर देता हूं तो जो मैंने स्केच बनाया था टूल पाथ एग्जैक्टली उसके ऊपर बने। ओके। यानी अगर आपको ये पता है कि मेरा टूल इस पाथ से जाना है तो मैं उस पाथ के ऊपर टूल जो है क्रिएट कर सकता हूँ, टूल पाथ जो है क्रिएट कर सकता हूँ एग्जैक्टली उसके ऊपर। ओके। ठीक है, यहाँ से होल्डर बंद कर सकता हूँ, मैं यहाँ से टॉप भी कर सकता हूँ, ये एग्जैक्टली उसके ऊपर चल रहा है। हाँ जी, ना अंदर ना बाहर, आधा अंदर आधा बाहर। तो ये मैंने इसलिए किया, हाँ इसका मतलब ये है कि जो मैं स्केच बना दूंगा टूल पाथ मेरा उसके ऊपर ऊपर चलेगा। कंट्रोल टूल पाथ का मतलब सिर्फ इतना ही है। ओके। ठीक है ना, चाहे अंदर चलाना है अंदर चला लो, बाहर चलाना है बाहर चला लो, जैसे पहले बाहर चल रहा था। क्यों? क्योंकि कंपनसेशन ऑन थी और लेफ्ट साइड में था। अगर मैं राइट साइड कर दूंगा तो वो टूल जो है राइट साइड में बनने लगेगा, अंदर चलेगा। ओके। ठीक है, तो कंपनसेशन से ज्यादा इसको एडिट कैसे करना है मैं वो सिखाना चाहता हूँ। ये पैरामीटर में जाके चेंज होगा जो भी चेंज होगा। ओके। चाहे आपको कंपनसेशन ऑन करनी है, चाहे टूल चेंज करना है, चाहे कुछ भी चेंज करना है, चाहे टूल का नाम देना चाहता हूँ मैं, टूल का नंबर देना चाहता हूँ मैं, है ना, फीड स्पीड देना चाहता हूँ, स्पिंडल स्पीड देना चाहता हूँ। तो मान लो मैंने फीड दे दी 1500 की, स्पिंडल स्पीड दे दी मैंने 3500 की, जितनी भी हम देना चाहते हैं वो सब कुछ जाके पैरामीटर में ही चेंज हो। ओके। ठीक है, तो एक बारी फास्ट फॉरवर्ड में दोबारा से करता हूं मैं कि सबसे पहले मैंने यूनिट ठीक किए, उसके बाद मैंने वायर फ्रेम में एक रेक्टेंगल बनाया, रेक्टेंगल का साइज दिया, कुछ भी साइज हो सकता है। ठीक है, उसको रेडियस वगैरह देना है तो वो भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, दो मर्जी है। हाँ जी, जो अपनी रिक्वायरमेंट है। हाँ, जैसा भी आप स्केच चाहते हो, उस स्केच बनाया। हाँ जी, उसको आइसोमेट्रिक व्यू कर लिया, उसके बाद मैंने मशीन दी कि मेरी मशीन है डिफॉल्ट और मैं टूल पाथ चलाना चाहता हूँ कंटूर का। हाँ जी, ठीक है, चेन किया तो वो एक ही क्लिक में सारी चेन सिलेक्ट हो जाएगी, बस आपस में कनेक्टेड होनी चाहिए। Okay. अगर इनके बीच में गैप होगा तो फिर नहीं कनेक्ट, तो चेन में आएगी ना। जो ऊपर वो 3D और सी उसको छोड़ दो, 3D और सी प्लेन का उसका कुछ नहीं, उसकी कुछ नहीं चेंज करना हमारे को। ये मोड जो है वायर फ्रेम मोड में रहना है क्योंकि हमने वायर फ्रेम बनाया। ओके। अभी मेरे पास 3D मॉडल है ही नहीं तो मैं 3D मॉडल बना नहीं कर नहीं सकता। ओके ओके, ठीक है, तो ओके कर देंगे तो उसके बाद ये विंडो आ जाएगी।
इसमें हमारे को टूल देना जरूरी है, क्योंकि बिना टूल के तो मशीन कटिंग कर नहीं पाएगी, ठीक है। और कटिंग पैरामीटर में हमने क्या क्या चेंज किया, हमने एक तो टोटल डेप्थ बताई, ये डेप्थ हमेशा हम माइनस में देंगे, क्योंकि हमने जो स्केच बनाया है वो जीरो में बनाया है, जीरो प्लेन पे बनाया ना, तो ये हमेशा माइनस में होगी, माइनस में। तो ये है टोटल डेप्थ, टोटल डेप्थ है ये। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ तक जाना है मुझे, ये देखो यहाँ पे सिंबल शो भी कर रहा है, तो कितने कितने का कट लगाना है वो डेप्थ ऑफ कट में पता लगेगा, ओके, कि हर बार कितने का कट लगेगा। ओके, लीड इन लीड आउट, क्योंकि आज फर्स्ट डे इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ, ओके, ठीक है। ये एक अलग टॉपिक है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है, पर आज फर्स्ट डे के हिसाब से कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे जाके हमारे को डेली रूटीन में काम आएगा ये, क्योंकि इसके बिना भी काम चलेगा नहीं, पर आज नहीं समझते हम इसको, छोड़ देते हैं। डेप्थ ऑफ कट दे दिया, कटिंग पैरामीटर में कंपनसेशन दे दी, लेफ्ट साइड में हम चलाना चाहते हैं, लिंकिंग पैरामीटर में हमने वैल्यू दी, जो जो चीज हमने दी है उसके आगे टिक लग गया देखो। हाँ जी, पर टूल पाथ क्रिएट करने से पहले हमने ध्यान दिया कि टॉप होने चाहिए तीनों, ओके, फिर हमने ध्यान क्या दिया कि हमारे को एक स्टॉक भी तो चाहिए, तो स्टॉक के लिए मैंने एक अलग से बाउंड्री बना ली, ठीक है, एक तरीके से रॉ मटेरियल बनाने की कोशिश की मैंने, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है सेम देनी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। ये रेक्टेंगल देने के बाद मुझे स्टॉक मॉडल में जाना होता है, क्योंकि मेरे को रॉ मटेरियल देना था, तो मैंने ऑल एंटिटी करके इसकी डेप्थ दे दी 20। ओके, अगर मेरे को टूल पाथ को चला के देखना है, तो मैंने यहाँ पर टूल पाथ पे क्लिक किया तो ये प्ले होने लग जाएगा। ओके, अगर मैंने यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कर दिया, ऊपर वेरीफाई लिखा है, वेरीफाई पे क्लिक कर दिया तो ये 3D में हमारे को दिखाएगा। ओके, अब जो हम सारी मेहनत कर रहे थे वो किस लिए कर रहे थे, ताकि हम इसका जी कोड जनरेट कर सकें। जी कोड, हाँ जी, ओके, किसी भी अच्छी जगह पे जाके इसका अच्छा सा नाम दे देना है, ताकि बाद में ढूंढना आसान हो जाए, ओके, ऐसा ना हो कि सारा काम करने के बाद हम फाइल का नाम ऐसा दे दिया कि भूल ही गए, तो वो सारी मेहनत दोबारा हो जाएगी, ठीक। ये जी कोड आ गया, जितनी स्पिंडल स्पीड हमने यहाँ भरी वो उतनी आ गई, हमारा टूल का नंबर जितना था वो टूल नंबर आ गया, है ना, क्लॉकवाइज चलाना है कि एंटी क्लॉकवाइज, वो चला वो आ गया, कई मशीनों में ए एक्सिस भी होती है तो ए जीरो पे आके काम हो रहा है वो, है ना, तो सब कुछ आ जाएगा। मतलब अगर कल को बाद में मुझे याद आता है कि मैंने यहाँ तो रेडियस लगाया नहीं, तो मैं, क्योंकि मैंने चेन करके सिलेक्ट किया था, तो मैं कभी भी रेडियस लगा दूं, हाँ जी, तो मैंने उसका एक तरीके से पाथ चेंज कर दिया, हाँ जी, तो यहाँ पे देखो क्रॉस लग गया, हाँ जी, तो हमारे को क्या करना है, ये रीजनरेट का बटन दबाना है, क्योंकि मैंने चेन करके सिलेक्ट किया था तो उसने अपने आप चेन ले ली, ओके, ठीक है, पर अगर मैंने चेन की बजाय कोई और मेथड से किया होता तो ये चीज ना पॉसिबल, ओके, ठीक है, तो यानी कि मैं कभी भी किसी भी चीज के अंदर मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ, कर सकते हैं, ओके, सब वो अपने आप कर, पर जिसका जी कोड दोबारा जनरेट करना पड़ेगा, हाँ, जी कोड दोबारा जनरेट करना पड़ेगा, ऑब्वियस है, क्योंकि वो फाइल हम ऑलरेडी सेव कर चुके, ओके, तो कोई भी वीडियो जो भी मैं बनाता हूँ उसको देखने का बेस्ट तरीका क्या है कि जैसे जैसे हमने अपने कंप्यूटर पे किया यहाँ पे, वैसे वैसे आप अपने कंप्यूटर पे करो देख के, ठीक है, फिर उसके बाद वीडियो को कर दो बंद और सेम चीज दोबारा से रिपीट करके देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है नहीं?
तो मेरे ख्याल से 99% सब कुछ समझ में आ गया हाँ जी, है। और जो हम वो स्टॉक का करते हैं, ऑल एंटिटीज करते हैं, तो वो मैक्सिमम का सिलेक्ट करेगा ना, जितनी मतलब मैक्सिमम उसकी जो ज्योमेट्री की लेंथ और लाइक विड्थ होगी वो सिलेक्ट करेगा, है जब ना? हम स्टॉक सेटअप में ऑल एंट्री किया तो ये जो बाहर वाला रेक्टेंगल है उसने उसका साइज लिया ओके, लाइक मैक्सिमम का लेगा जो जितना है। सबसे हाँ बड़ा बना होगा। ओके ठीक हाँ हाँ अगर मान लो है, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल लगा दिया, ठीक है, सर्कल ओके बाद में सीखेंगे कैसे लगाया, पर अगर मैंने ऐसे सर्कल लगाया हुआ है और स्टॉक एंड सेटअप में जाके ऑल एंट्री कर दूंगा तो वो उसको भी बीच में ले लेगा। ओके ओके अच्छा उसके ओके लेना ठीक है चाहिए ठीक था उसको, कोई लाइन लगाते हैं। है। स्ट्रॉन्ग सेटअप ऑल नहीं लिया उसने, अनसेलेक्ट ऑल कर देता हूँ, देन ऑल वैल्यू भर देते हैं, ठीक है ना। या ले लिया, या हाँ ओके ओके नहीं किया था हमने तो नजर नहीं आ रहा था, यानी कि जो भी मैक्सिमम ओके चीज जो बना होगा उसके हिसाब से वो ले उसके हिसाब से लेगा। ले लो। ओके ठीक है, ठीक तो यानी कि दो तीन ठीक चीजें समझने वाली है कि मशीन कैसे लेनी है, स्केच कैसे बनाना है, टूल पाथ चला के कैसे देखना है, वेरीफाई कैसे करना है, और जी कोड जी कैसे कोड देना। कल ठीक हम है। बात कर रहे थे तो उसमें हमारी बात हो रही थी कि हम मशीन पे कैसे देखेंगे, तो यहाँ पे मशीन भी होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन होती है सिमुलेशन ऑप्शन। सिमुलेशन ओके ऑप्शन ओके में यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी मशीन है, इसमें हमने थ्री ओके एक्सिस वर्टिकल मिलिंग मशीन ली, अच्छा, जो एक्चुअल मशीन है वही वही आ जाएगी। हाँ तो यहाँ बहुत सारी मशीनें हैं, जो भी आपको मशीन चाहिए वो ले सकते हैं, ओके ठीक है। तो अलग अलग तरीके की मशीन है, अलग अलग कॉम्बिनेशन बने हुए हैं उसमें, ठीक ओके ठीक है। तो है, ओके अगर हमारी कंपनी अच्छी है तो उनके पास, उनके पास जो मशीन है वो भी हम बनवा भी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात को नहीं, ताकि कोई भी कोलिजन हो या कुछ और हो तो वो हमारे को पता पता चल जाए। ओके रहे। जेड में मैं 20 mm दे देता हूँ ऊपर को, ताकि मेरा जो टूल है मॉडल है वो टेबल के बीच में ना घुसे, हमारा जीरो पे बना दिया ना हमने, तो हम चाहते थोड़ा सा हाँ ऊपर जी हाँ उठ जी जाए। तो मैं इसको कर दूंगा ओके, इसको कर दूंगा ओके। तो फायदा क्या हुआ कि मशीन डिफाइन कर दी मैं, अब जब मैं वेरीफाई हाँ जी करूंगा इसको, जब मैं इसको वेरीफाई करूंगा तो ये जो रेड कलर का स्टॉक है वो हमारे को नजर आने लग जाएगा, और अगर मैं हाँ यहाँ पे जी सिमुलेशन में चला जाऊं तो ये हमारे को मशीन भी नजर आने लग जाएगी। ओके ठीक है। तो मैं इसको अगर प्ले करूंगा तो ये मेरे को, ओह बहुत तेज हो गया, थोड़ा स्लो करके फिर प्ले। ठीक हम जाके ओके इसमें एक्सेस वगैरह भी देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, ओके कहाँ कहाँ क्या मूवमेंट हो रहा है, टूल पाथ एनालिसिस, मशीन एनालिसिस, एक्सेस कंट्रोल, सब कुछ देख सकते हैं ओके कि मेरी मशीन कितनी मूव करेगी, कितना रोटेट कर रही है, एक्स में कितना जा रही है, वाई में कितना जा रही है, जेड में कितना जा रही है, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये बढ़िया। तो ये हमारा काम था जो हमारे को फर्स्ट डे समझ में आना जरूरी है, ठीक है। आगे जाके हम कुछ ड्राइंग ठीक भी है बनानी सीखेंगे, इसमें 2D ड्राइंग कैसे बनाते हैं, 3D ड्राइंग भी कैसे बनाते हैं, पर मास्टर कैम का जो ठीक रोल है है वो हमने समझ लिया है, मास्टर कैम का क्या रोल है हमारे, वो एज ए प्रोग्रामर हमारे को क्या आउटपुट मिलने वाली है। एक छोटी सी आउटपुट ओके और भी होती है, इस टूल पाथ पे जाके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन है रिपोर्ट,
एक सेटअप शीट भी है, टूल लिस्ट भी है। तो अगर मैं सेटअप शीट में जाऊं तो यहाँ पे हम कंपनी का नाम, प्रोजेक्ट का नाम, प्रोग्रामर का नाम, ये सब कुछ दे सकते हैं। प्लस मैं यहाँ पे फोटो भी कैप्चर कर सकता हूँ, तो ये फोटो चाहिए मुझे, या फिर मुझे कुछ इस तरीके से फोटो चाहिए, जैसे भी चाहिए। जैसे भी चाहिए, हाँ, पिक ले लो ऑपरेटर के लिए। हाँ हाँ ओके करेंगे, और इसको जस्ट ओके करेंगे, थोड़ा सा इंतजार करेंगे, तो ये हमारे को पूरी डिटेल बना के दिखाएगा। ओके पीडीएफ फाइल खोल के दिखाएगा, दिखाएगा। जो भी हमने नाम वगैरह दिया वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर मुझे कोई कमेंट देना है तो वो भी दे सकते हैं, ठीक है। ये मेरे को रॉ मटेरियल दिखा रहा है भाई, कितने बाय कितने का हमारा रॉ मटेरियल है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे को दिखा रहा है ऑपरेशन में स्पिंडल स्पीड कितनी देनी है, फीड रेट कितनी देनी है, ये सब कुछ ऑपरेटर के लिए। कौन सा टूल लगाना है, टूल का साइज क्या है वो बताना पड़ेगा, कौन कौन सा टूल लिए वो बताया। इमेज जो हमने फोटो खींची थी वो है, इमेज वन और इमेज टू। तो ये रिपोर्ट जो है हम ऑपरेटर को दे सकते हैं, कहाँ पे फाइल सेव है वो भी दे सकते हैं, ठीक है ना। तो सारी चीजें हैं, इसको भी हम और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, पर इसमें मैक्सिमम चीजें आ जाती है, कार्बाइड है, टोटल डेप्थ कितनी है, थोड़ा सा ऑपरेटर को इसके बारे में नॉलेज होगी तो चलाने में उसको काफी आसानी हो जाएगी। तो ये था हमारा डे वन मास्टर कैंप के अंदर, जिसमें हमने कई चीजें सीखने की कोशिश करी है। वीडियो को लाइक करना जब भी कोई भी वीडियो देखो, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बेल आइकन भी दबाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है।